हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज सुबह आपके लिए क्या है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ग्रेट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम एनर्जीज, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल। ग्रेट, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोरियक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जो जोरियक अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो सभी रीडिंग, सभी जोरियक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है, तो यूनिवर्स कुछ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके लिए करने वाले हैं, कुछ सरप्राइज आपको यूनिवर्स जैसे देते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है मुझे, ठीक है। जो आपका बुरा समय है, जो आपका बुरा वक्त है, वो जैसे एंड हो रहा है उसका, ठीक है, और एक नया खूबसूरत सा समय आपका शुरू हो रहा है। मे बी आपके रिलेशनशिप में कोई नई खूबसूरत सी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, ओके। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज और क्या बता रही है आपके रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में। सो प्लीज डिवाइन बताएं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है फाइव ऑफ वैंड, ठीक है। ये कार्ड अपने आप फॉलो हुआ है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आप बहुत लंबे समय से एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, जहां पर बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति से आपकी बात नहीं हुई है। फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जैसे इस व्यक्ति ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट करे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स करे हैं, लड़ाई झगड़े, आपकी इंसल्ट करना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिससे आपको बहुत डैमेज हुआ है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज हो गए इस पर्सन की वजह से। यू लिटरली फील लाइक ये व्यक्ति इतना डैमेज नहीं हुआ जितना आप डैमेज हुए हो या जितना आप हर्ट हुए हो। इन्होंने अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से आपको जैसे चोट पहुंचाई है, और अब व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि उनको उनका कर्मा मिले और वो रियलाइज करें आपकी इंपॉर्टेंस को, वो रियलाइज करें कि आप उनके लिए क्या वर्थ रखते हो या आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो कर रहा है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनको रियलाइज करवा रहा है, यानी यूनिवर्स की इंटरफेरेंस आपके कनेक्शन में हो चुकी है और यूनिवर्स ने देखा है आपकी सफरिंग्स को, यूनिवर्स ने देखा है आपके पेन को, और अब यूनिवर्स उस सफरिंग, उस पेन का जस्टिस आपको देने वाले हैं, यानी उस जो जस्टिस अब आप डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलने वाला है। वो सफरिंग्स तो आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन जस्टिस आप जरूर अपने रिलेशनशिप में डिजर्व करते हो, और यूनिवर्स अपने इंटरफेरेंस कर आपके पार्टनर को ये रियलाइज करवा रहा है कि उन्होंने गलतियां करी हैं। अब ये रियलाइजेशन उनको कैसे हो रहा है, ये रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है बाय द कर्मा, ठीक है। उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जैसे बढ़ गई हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, या उनके, उनको लाइफ में इतने चैलेंजेस और इतनी तकलीफें क्यों फेस करनी पड़ रही है उनको, और वो ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन तकलीफों का कारण या इन चैलेंजेस का कारण कहीं ना कहीं उनका कर्मा है, जो वो एक गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट करके गए हैं ना। तो ये व्यक्ति रियलाइज कर रहे हैं कि ये उनका बुरा कर्मा ही है जिसकी वजह से आज उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये व्यक्ति जिन भी लोगों की बातों में आकर आपको छोड़कर गए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मैं देख रही हूँ। बाकी कार्ड्स है आप देखो ना, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, ये सारे कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, कितने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, है ना। अब जिन लोगों की भी बातों में आकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, आज वही लोगों को उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा,
ठीक है, वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके पार्टनर दुखी हैं, उदास हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर ने इन लोगों की खुशियों के लिए आपको छोड़ तो दिया, क्योंकि ये लोग आपके पार्टनर को कह रहे थे कि भाई आपसे बात ना करें, या उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आज इन लोगों को आपके पार्टनर की कुछ भी नहीं पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि आपके पार्टनर परेशान हैं, रो रहे हैं। इन लोगों ने भी आपके पार्टनर को अकेला कर दिया है, इन लोगों ने भी आपके पार्टनर को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। जैसे एक टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको साइड लाइन करा था, इन लोगों ने आपके पार्टनर को साइड लाइन कर दिया है। और अब आपके पार्टनर ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि जिससे वो प्यार करते थे, यानी आप नहीं, जो उनसे प्यार करता था, सॉरी, जो आप जो उनसे प्यार करते थे ना, ठीक है, आप जो उनसे प्यार करते थे, आपका प्यार अनकंडीशनल था, और उन्होंने आपको ये साइड लाइन कर दिया। और जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको साइड लाइन करा, आज वही लोग उनको साइड लाइन कर रहे हैं, वही लोग उनको अकेला कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोच की एनर्जी बता रही है कि आपके दिल को चोट तो पहुंची है, आपका दिल भी तोड़ा है इस व्यक्ति ने, है ना, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन, आप जैसे वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, यू आर इन वेटिंग एनर्जी, जहां पर आप वेट कर रहे हो कि पर्सन मुझे अप्रोच करें, मुझसे बात करें, कनेक्ट करें मुझसे, तो यू आर टोटली राइट नाउ इन वेटिंग एनर्जीज। और मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि व्यक्ति एटलीस्ट आकर आपको सॉरी जरूर बोले, आपसे अपोलॉजी जरूर करें, है ना, जो डैमेज उन्होंने आपको पहुंचाई है, या चोट जो उन्होंने आपको पहुंचाई, यू रियली वांट कि एटलीस्ट वो पर्सन अपोलॉजी करे, रियलाइज करे अपनी मिस्टेक को, वो रियलाइज करे कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, और वही रियलाइजेशन यूनिवर्स उनको करवा रहा है। तो यस, ये पर्सन स्ट्रांग रियलाइजेशन और अवेकनिंग की एनर्जी में है, जहां पर ये रियलाइज कर पा रहे हैं पूरे तरीके से कि आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं। पेज ऑफ कप विद एम्परर, ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहे हैं, ये अपना तकलीफ भी इवन आपसे छुपा रहे हैं, सिर्फ इमोशंस फीलिंग्स ही नहीं, बल्कि अपनी तकलीफ भी ये व्यक्ति जैसे आपसे छुपा रहा है। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि ये आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि आपके दूर जाने से इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये आपको नहीं पता लगने देना चाहते ये चीज। क्यों नहीं पता लगना देना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर आप ये सोचोगे ना कि देखा इसका मेरे बिना क्या हाल हो गया है, ठीक है, और वो ये नहीं चाहते कि आप इस तरीके से सोचो। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको ये नहीं जताना चाहते कि आपके बिना उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। वो आपके सामने हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी महसूस कर रहे हैं, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, आपके सामने कर रहे हैं ये, लेकिन पीछे से क्या हाल है? पीछे से बिल्कुल तकलीफ में है ये व्यक्ति, परेशान है ये व्यक्ति, रियलिटी नहीं शो कर रहे हैं। और कुछ इनकी ईगो और इनका प्राइड भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से भी ये नहीं दिखाना चाहते आपको अपनी तकलीफ। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, लुक, ये व्यक्ति आज भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, पैचअप करना चाहिए, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहिए। इस बारे में भी आपके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब चीजें सही करनी चाहिए उन्हें, शायद ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, शायद ये सही वक्त आ चुका है आपसे बात करने का। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है, वो ये सोचते हैं कि अगर वो आपके पास आए, आपसे बात करें, तो पता नहीं आपका बर्ताव उनके लिए क्या होगा, पता नहीं आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, तो ये चीज सोचकर ये रुक भी जाते हैं। मतलब देयर इज एन एनर्जी ऑफ प्रोकास्टिनेशन, यानी टाल देते हैं चीजों को। आपसे बात करने का मन तो करता है, कॉल के बटन तक जाएंगे, कॉल नहीं कर पाएंगे, मैसेज के बटन तक जाएंगे, मैसेज टाइप भी करेंगे लेकिन सेंड नहीं कर पाएंगे, आपसे मिलने चाहेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे तो आधे रास्ते में अपना रास्ता बदल देंगे। तो ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें नहीं पता कि आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर इनके लिए क्या होगा अगर इतने समय बाद ये आपसे बात करते हैं। तो ये डर एक उनके अंदर मैं देख रही हूँ, परेशान है वो। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उनके कुछ हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है विद चेरॉइड, ओके। ये व्यक्ति ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और अब ये इन्हें लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ फैमिली इश्यूज भी देख रही हूँ, पहली चीज, ठीक है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली एग्री नहीं कर रही है इस कनेक्शन के लिए, एग्री नहीं कर रही है। अब उन्हें लगता है कि ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब फिर और ऐसा ना हो कि वो अगर आपसे बात करें या आपसे रीयूनियन करें तो उनकी फैमिली की तरफ से और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं, है ना, अब उनकी फैमिली भी उनके अगेंस्ट हो जाए।
तो ये पर्सन अभी पहले मुझे दिख रहा है कि जैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने चैलेंजेस को, जो ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं उनको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तब उन्हें लगता है कि तब वो शायद आपको अप्रोच करें, ठीक है। लेकिन अभी उनको ये लगता है कि पहले वो अपनी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करें। तो इस वक्त काफी हद तक मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे उनका फोकस अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ है, अपने जॉब की तरफ, अपने करियर की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पर वो उन चीजों को अब सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन रात का समय उनके लिए ऐसा होता है जहां पर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत अकेला महसूस करना, बहुत एम्प्टी फील करना, आपके बिना, आपके लिए प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशंस करना, ये जैसे बहुत चाहते हूँ कि जैसे आप इनके साथ हो उस टाइम पर, तो ये चीज कुछ उनके अंदर में देख रही हूँ। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके लिए ये व्यक्ति भी बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, ये बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं। जितना जल्दी आपको रियूनियन की है ना, उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर को भी है, वो भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी रियूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में, और बहुत परेशान है वो भी। हो सकता है रात भी रात, कल रात में भी पॉसिबल है कि उन्होंने ऐसा कोई सपना देखा है जहां पर उन्हें लगा कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आप किसी और के साथ शादी कर ली है या आप किसी और के साथ कमिटेड हो गए हो, ऐसा कोई सपना जैसे कल रात उन्होंने देखा और वो बहुत घबरा गए उस चीज से। आप देख रहे हो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस सपने को देखकर आपके व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत घबरा गए थे, उनको लगा था कहीं ऐसा सच में ना हो जाए, कहीं सच में आप किसी और से शादी ना कर लो या किसी और के साथ कमिटेड ना हो जाओ। वो आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल खोना नहीं चाहते, ये डर है उनके दिल में। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी टू ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति आज भी आपको लेकर बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, यानी डीप डाउन अगर इनके अंदर देखा जाना तो बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन ये व्यक्ति को कुछ तो है चीज जो रोक रही है बार बार, ठीक है। एक तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये स्ट्रांगली उनका ईगो हो सकता है, ये व्यक्ति अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं, फर्स्ट अप्रोच आपको नहीं कर पा रहे हैं, ओके, ये अभी भी अपने ईगो में और ये अभी भी फर्स्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने ही कंफर्ट जोन में है, ठीक है। ये मुझे मतलब जैसे कहते ना कि कोई इतना प्यार करने के बाद भी, मतलब इतनी फीलिंग्स के बाद भी, ये व्यक्ति की तरफ से आपको कोई इनिशिएटिव, कोई एफर्ट्स, कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब इट्स एन एनर्जी ऑफ टू ऑफ कप्स जो कि बहुत हाई इमोशंस को दिखा रहा है, एंड उसके बाद भी लाइक कोई एक्शन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं अपने कंफर्ट जोन में, अभी भी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। मुझे लगता है अभी नियर फ्यूचर में भी, मे बी नेक्स्ट 7 to 8 days में भी नहीं है अभी कोई एक्शन, नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। आगे आने वाले कार्ड्स में आया तो आया, बट अभी तक मुझे नियर फ्यूचर में भी एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि उसके बाद भी नहीं आएंगे, बट अभी नहीं है, अभी भी वो अपने कंफर्ट जोन में है। कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए ना यूनिवर्स बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देता है, बहुत चैलेंजेस देता है, और कई बार हमारी जिंदगी में ना, एक बात आप याद रखना, कई बार हमारी जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, है ना, जब भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बढ़ जाते हैं हमारी जिंदगी में, तो उस समय पर ना यूनिवर्स हमें ये साइन दे रहा होता है कि भाई अब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें और प्रॉब्लम्स दूंगा, और चैलेंजेस दूंगा। और आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है, जहां पर उनको प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, कोई एक्शन नहीं लेते, चेंजेस नहीं लेकर आते, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लेकर आते, तब तक ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का दी एंड तो नहीं होने वाला उनकी लाइफ में, ओके? तो यस, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस तो बढ़ गए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल विथ किंग ऑफ कप, लोगों से आपकी बातें कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी और से सच में तो कमिटेड नहीं हो गए हो, मे बी आज ही इन्होंने किसी से पूछा है, कॉल कर किसी पर्सन से इसने पूछा है, मे बी ये कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आपको और उनको दोनों को जानता है, और आज जैसे उन्होंने ये सपना देखा ना, उन्होंने उसी वक्त किसी को कॉल करके पूछा है कि ऐसा सच में तो नहीं है, सच में तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, सच में तो ऐसा नहीं है कि आपकी कहीं और शादी होने वाली है या कहीं और कमिटेड हो रहे हो, तो ये सच में इन्होंने जैसे आज सुबह उठते ही किसी से पूछा हो। चलो लेट्स चेक मोर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है। तो इट इज एनर्जी ऑफ माइंड, एग्जॉस्ट हो गए हैं, माई गॉड, हीलिंग,
क्रिएटर, अलोननेस, फाइटिंग, मोमेंट टू मोमेंट, आइसोलेशन एंड नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन. ग्रेट. ओके, सो मे बी जो व्यक्ति है ना आपके पार्टनर, ये बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है. आप देख रहे हो इनकी एनर्जीज कैसी हैं. ये व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स नहीं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं. जैसे हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं ना, थॉट्स आते रहते हैं आपके, बिल्कुल रिलैक्सेशन है ही नहीं. माइंड में कोई रिलैक्स, कोई पीस नहीं है आपके पार्टनर के. इस तरीके से हो चुका है उनके दिमाग की हालत. अंदर से देखोगे ना तो ऐसा है उनका दिमाग. ठीक है, क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये हाल बना लिया उन्होंने. इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना सोचते हैं आपके बारे में कि रिलैक्स ही नहीं हो पाते हैं. बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब कभी भी दिमाग शांति नहीं होता आपके पार्टनर का. इस व्यक्ति को स्ट्रांगली हीलिंग की जरूरत है. आई थिंक आपको हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करने चाहिए. ठीक है, यू नीड टू वेयर सम हीलिंग ब्रेसलेट्स यहाँ पर. और हीलिंग ब्रेसलेट्स अगर आप हमसे लेना चाहते हो, मेरे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले सकते हैं, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, अमन भोला से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अंकित बाटला से कनेक्ट कर सकते हैं. और तो आप ये जो ब्रेसलेट्स आपके होंगे ना, ये आपके लिए पर्टिकुलरली डिजाइन कर हम देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं. क्योंकि जब भी आप ये ब्रेसलेट वेयर करो ना, तो इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसे ही मार्केट से, पता है क्या गलती करते हो आप लोग, ना ऐसे ही मार्केट से खरीदते हो और पहन लेते हो. इट इज नो यूज. जब तक आप उसे एनर्जाइज नहीं करते हो ना, जब तक आप उसको प्रॉपरली अपने नाम से एनर्जाइज नहीं करवाते हो, तब तक, और सही सोर्स से नहीं खरीदते हो, तब तक इट डजंट वर्क. तो उसको एनर्जाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो आप हीलिंग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो. नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अपनी टीम का. ठीक है, तो वहां से आप बिल्कुल कनेक्ट करें और हमसे ऑर्डर कर सकते हो आप ये ब्रेसलेट. दीज आर इटसेल्फ अ हीलिंग ब्रेसलेट जो हील करता है आपको. तो इनको लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो. मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इवन डाल दूंगी. क्रिएटर की एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जी. उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन तो इनकी खुद की ही क्रिएट करी हुई है ना. ये सिचुएशन इन्होंने खुद ही तो क्रिएट कर दी है, जो अपने बिहेवियर से, अपनी गलत आदतों से, अपने गलत बर्ताव से. ठीक है, उन्होंने ही तो क्रिएट कर दी है. इस व्यक्ति ने आपसे बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करे हैं. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कमिटमेंट दूंगा, मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को भी मना लूंगा. लेकिन जब करने की बारी आई तो ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाए आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर पाए. और आज ये व्यक्ति आगे तो बढ़ रहे हैं, यानी इन्होंने मे भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत भी करी हूँ. ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ ये खुश नहीं है, आगे बढ़कर भी खुश नहीं है. इन्हें लगता है कुछ अधूरापन. एक होता ना कि सुकून ही ना होना, शांति ना होना, वो चीज कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ, जहां पर इनको सुकून नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है. हो सकता है ये अटके नहीं है, रुके नहीं हुए आपके लिए, पर आगे अगर बढ़ भी रहे हैं ना, तो खुश नहीं है ये. ठीक है, हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में. हो सकता है आपके अलावा भी कोई और इनकी जिंदगी में हो. कंपैरिजन की एनर्जी है यहाँ पर. जो भी व्यक्ति आपके बिना इनकी जिंदगी में आता है ना, आपके अलावा इनकी जिंदगी में आता है, ये उस हर व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर करते हुए नजर आते हैं. उन्हें लगता है कि आप तो ऐसे हो और वो व्यक्ति वैसा है. ठीक है, उन्हें आपकी आदत हो चुकी है. उन्हें सच बताया जाना तो आपके प्यार की इस तरीके से आदत हो चुकी है ना, कि मतलब वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं. लिटरली वो अपने थॉट से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं. तो देयर इज अ स्ट्रांग एनर्जी, स्ट्रांग बॉन्ड. आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है और आपके बिना बिल्कुल अकेले है वो. इस अधूरेपन को, इस एम्प्टीनेस को सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी जिंदगी में कोई खत्म कर सकता है ना, तो वो सिर्फ आप हो. ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में. तो यहां पर एनर्जी निकल कर आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेट. स्ट्रेंथ, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, The Hierophant, Four of Wands. Look, okay, Queen of Wands.
ओके, सो मे बी यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ हायरोफेंट विद फोर ऑफ वैंड, मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं या उनके प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो कहीं और शादी कर ले, ठीक है, उस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर, अपनी फैमिली के दबाव में आकर किसी और से शादी कर भी ली है। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, मैं उन्हें ये चीज बता दूं कि आपके पार्टनर ने अगर कहीं और शादी कर भी ली है ना, तो भी वो व्यक्ति हैप्पी नहीं है वहां पर। बहुत टॉक्सिक है उनका कनेक्शन, ठीक है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी में चले गए हैं वो, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, अगर ये अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर कहीं और शादी करते हैं तो दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड है। यू नो इट वेरी वेल कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो। अब कोई कुछ भी आकर कह ले, आपको यकीन नहीं उस चीज पर, राइट, क्योंकि आपने देखा है, आपने जो महसूस करा इस व्यक्ति के लिए, जो आपने इस व्यक्ति की आंखों में देखा है, फील करा है, ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत फीलिंग्स है और जेन्युइनली है भी, चाहे ये पर्सन कैसा भी हो, ठीक है, चाहे ये पर्सन प्लेयर है, चाहे ये पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, सिचुएशनशिप में हो सकते हो आपका कनेक्शन, बट यू नो इट वेरी वेल कि ये पर्सन प्यार तो आपसे करता है। एंड ये ट्रू भी है। ट्रू किस कंटेक्स्ट में मैं कह रही हूँ, ट्रू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये व्यक्ति जैसा बॉन्ड, जैसी अट्रैक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, वैसा ये किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। हो सकता है आपसे पहले भी बतेरे कनेक्शन इनके रहे हों, आपके बाद भी बहुत कनेक्शन इस पर्सन के रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन उनका आपके साथ रहा है, ये ऐसा कनेक्शन है जो वो चाहकर भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इस कनेक्शन में ऐसा क्या है, इतने कनेक्शंस आज तक इन्होंने बनाए, इतने अफेयर्स करे, लेकिन ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो आपको चाहकर भी ये नहीं भूल पा रहे हैं। तो यस, ये पर्सन इतना तो समझ चुके हैं कि इस कनेक्शन में जरूर कुछ खास है। ये पर्सन अगर अभी तक बिलीव नहीं करते थे, गॉड में बिलीव नहीं करते थे, तो अचानक से ये गॉड में भी बिलीव करने लगे हैं, भगवान में भी बिलीव करने लगे हैं ये व्यक्ति। ये व्यक्ति सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पे भी बिलीव करने लगे हैं। ये खुद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं रिसेंटली। हो सकता है कि इन्होंने किसी से रीडिंग भी ली हो, टैरो रीडिंग, ऑनलाइन रीडिंग, मुझे की एनर्जी ज्यादा यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, तो हो सकता है किसी से इन्होंने ऑनलाइन रीडिंग बुक करी हो और आपके बारे में पूछा भी है कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। ये सब चीजें उन्होंने इसलिए करी हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर, वो नहीं जानते कि आप उनको लेकर क्या महसूस करते हो या आपके दिल में उनको लेकर क्या है। लेकिन जहां पर भी उन्होंने रीडिंग ली है ना, उन्होंने उन्हें यही बताया है कि अब आप उन्हें अपने दिल से निकाल चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं उनको पता लगी है। या अगर तारो रीडिंग नहीं भी ली है या किसी व्यक्ति से उन्होंने आपके बारे में बात करी है ना, तो उस व्यक्ति ने भी उन्हें यही कहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो और उनको जैसे भूल चुके हो। और ये चीज जानकर आपके पार्टनर खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं ये जानकर। उनकी स्ट्रेंथ उल्टा और कम हो गई है आपसे बात करने की। उन्हें लगता है कि यार अब मैं बात करूंगा तो पक्का वो मुझे डांटेगी या वो मुझे डांटेगा या वो मुझे बहुत सुनाएगा सुनाएगी, ठीक है, तो उन्हें पता है कि आपका बर्ताव उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये चीज यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि वो प्रिपेयर भी हो रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक है, वो खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो अगर इनके अब नेक्स्ट एक्शन भी आए ना, तो डेफिनेटली वो कोई प्लान्ड एक्शन होंगे, ये कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग कर ही अब आपको अप्रोच करेंगे। बिना प्लानिंग और बिना स्ट्रैटेजी के ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे। ये आपको भी देख रहे हैं तो आप बहुत ही बोल्ड ब्यूटीफुल दिख रहे हो इनको, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो। जहां पर इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि यार मैंने इससे कनेक्शन क्यों तोड़ा, ठीक है, आप अब कोडिपेंडेंट नहीं हो अपने पार्टनर के ऊपर, आप एक इंडिविजुअल हो और एक इंडिविजुअलिटी आप अपनी दिखा रहे हो, आप अपना सेल्फ लव आप कर चुके हो और आप कहीं ना कहीं अंदर से हील्ड होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। जहां पर आपने खुद को हील करा है, उस मुश्किल समय से आपने खुद को बाहर निकाला है, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से आपने उस चीज से बाहर निकले हो। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपको देखते हुए अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपको एक लाइफ टाइम ऑफर देने के लिए। यानी वो आपको जैसे आकर कहना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। ऐसा कोई कमिटमेंट ये व्यक्ति जैसे आपको देने आ रहे हैं और ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। ये आपकी आवाज़ सुनने को तड़प रहे हैं, आपसे बात करने को तड़प रहे हैं, लेकिन ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
ओके सो अभी भी इनकी एनर्जी लिटरली मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर अभी भी इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है. मे बी शायद आने वाले समय में एक्शन ले ये पर्सन, लेकिन अभी नेक्स्ट 5 to 7 days में तो नहीं दिख रहा है मुझे कोई एक्शन. राइट क्योंकि ये पर्सन अभी भी अपने डर में है, अपनी इनसिक्योरिटीज में है, और इन्हें अपने उस डर को, अपनी उस इनसिक्योरिटी को पहले खत्म करना होगा, ओवरकम करना होगा, तभी ये कोई एक्शन आपकी तरफ ले पाएंगे. राइट चलिए लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को. तो वो आपको जैसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस हूं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, यही कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी है जहां पर उनको लगता है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. ठीक है, कुछ तो चीज है जो उनको रोक रही है, कोई तो उनकी मजबूरी ऐसी है जो उनको लिटरली रोक रही है इस चीज के लिए. आपने उनकी दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, जब वो याद करते हैं ना उन पलों को, फ्लैशबैक में जब जाते हैं और देखते हैं कि हाँ आपने कितना खूबसूरत था समय आपके साथ, तो वो बहुत खुश महसूस करते हैं. शायद अब उनकी जिंदगी में वो पास्ट का अच्छा समय रह गया है याद करने को, जो वो याद करते हैं. आप उनके, वो आपको अपने प्यार में जैसे पागल करना चाहते हैं. पहले कहीं ना आप बहुत चेज करते थे उनको, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, आप नहीं जाने देना चाह रहे थे अपने पार्टनर को, लेकिन अब वो फिर से आपके अंदर वो एक पागलपन, वो प्यार अपने लिए देखना चाहते हैं. शायद वो उस पागलपन को बहुत मिस करते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हैं. रोते हैं वो आपको याद कर कर. रात का समय स्पेशली उनके लिए ऐसा होता है जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं ना, कोई इन्हें देख नहीं रहा होता है, ये रोते हैं. ये अपने आंसू किसी और को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अपनी वीकनेस किसी और को नहीं दिखानी चाहिए, बट ये रोते जरूर हैं आपको याद करके. आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम्हें पूरे तरीके से नोटिस कर रहा हूं. विल यू एक्सेप्ट मी, क्या तुम सच में मुझे एक्सेप्ट करोगी. जैसे ही आकर आपसे पूछना चाहते हो ये बात, वो आपसे कहें या ना कहें, जो भी उनके दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी प्यार है, वो आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल आपके सामने जैसे खोल कर रख देना चाहते हैं ये व्यक्ति, और आपके पेन को हील करना चाहते हैं. उन्हें भी एहसास है कि उन्होंने बहुत तकलीफ दी है आपको, बहुत पेन दिया है, अब वो हील करना चाहते हैं उस पेन को. दैट इज व्हाट देयर स्ट्रांग एनर्जीज, यू नो. सो ग्रेट गाइज, बहुत अच्छी रीडिंग रही. मुझे लगता है कि बहुत लोगों से आज की एनर्जीज रीड मतलब री कनेक्ट कर पाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंट्यूटिवली. आज मतलब मुझे रीडिंग करके भी बहुत अच्छा लग रहा था. एंड ओके सो या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे. अगर आपके साथ भी चीजें रेजोनेट करी हैं तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें. आप ज्वाइन बटन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे मेंबरशिप क्लब को ज्वाइन करने के लिए. सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगली वीडियो में.